एक गांव में एक पंडित और एक पंडिताई रहती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा हुआ था। उसी दूसरी ओर एक नेवले का एक छोटा बच्चा हुआ था, जिसे पंडिताइन देखकर दया आ जाती है और उसे अपने बच्चे के साथ पालने लगती है। वह उस नेवले को रोज़ दूध पिलाती है और वह अपने बच्चे की तरह उस नेवले को पालने लगती है और वह उसे स्नेह भी करती है। लेकिन उस पंडिताइन को यह डर रहती थी कि यह नेवला बड़े होकर मेरे बच्चे को काट न ले। एक दिन वह पंडिताइन जो है अपने बच्चे को पालने में सुला कर वह घड़ा में पानी लेने के लिए बाहर जा जाती है और अपने पति को कहती है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। लेकिन वह उसके पति मंदिर चले जाता है, लेकिन उसके बच्चे का ध्यान नहीं रहता है। बच्चे घर में अकेला हो जाता है। वही उस घर में एक काला करेट सांप रहता था जो बहुत ही खतरनाक था। लेकिन नेवले ने उसे देखकर अपने पूरे जोश के साथ उसने अपने भाई की रक्षा करने के लिए उस सांप को मार डाला। खून से लथपथ उसके नेवले का मुंह एकदम लाल लाल हो गया, जिसे वह अपनी बहादुरी की उत्साहित होकर बचाने के लिए घर से बाहर निकला। तभी वह पंडिताइन बिना सोचे समझे अपने बच्चे को मार डाले की यह सोचकर वह मटका को नेवले पर दे मारा, जिससे नेवले की मौत हो गई। वह घर में अंदर जाती है तो उसका बेटा सही सलामत और बगल में मरा हुआ सांप पड़ा था, जिसे देखकर पंडिताइन यह सब समझ जाती है।